गाइस सैमसंग गैलेक्सी S23 अल्ट्रा जब लॉन्च होने वाला था तो उससे पहले कंपनी ने इस डिवाइस को बहुत ज्यादा प्रमोट किया था मून जूम के नाम से। सब जगह पर बस भाई मून जूम ही नजर आ रहा था हमें। और अब जब सैमसंग गैलेक्सी S24 सीरीज लॉन्च होने वाली है तो कंपनी इसके अल्ट्रा फोन को AI डिवाइस के नाम से बहुत ज्यादा प्रमोट कर रही है। अब ऐसा क्यों होता है? देखो, कंपनी कोई भी एक स्पेशल फीचर देती है अपने फोन में तो उसके लॉन्च होने से पहले कंपनी उसी फीचर के नाम से प्रमोट करती है अपने फोन को, ताकि पब्लिक में एक मेंटल इंपैक्ट बना रहे कि हाँ भाई ये पर्टिकुलर फीचर इस फोन में काफी अमेजिंग आने वाला है। जैसे कि S23 अल्ट्रा में मून जूम का फीचर अच्छा था, वहीं पर S24 अल्ट्रा में अब कंपनी के हिसाब से ये एक AI पावर डिवाइस काफी अच्छा रहेगा। अब इसमें क्या AI फैसिलिटीज आने वाली है, फीचर्स आने वाले, वो मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा, इसलिए आप वीडियो को देखते रहो। लेकिन उससे पहले गाइस मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि सैमसंग गैलेक्सी S24 अल्ट्रा लिस्ट हुआ है एक जबरदस्त वेबसाइट के ऊपर। गाइस ये एक थाईलैंड की वेबसाइट है जो कि नेशनल ब्रॉडकास्टिंग टेलीकम्युनिकेशन एक वेबसाइट है। अब आप बोलोगे भाई इंडिया में रहकर थाईलैंड की देखो, यहाँ पर मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, ये एक ऐसी वेबसाइट है कि थाईलैंड में जब भी कोई भी फोन लॉन्च होने वाला होता है तो इस वेबसाइट के थ्रू उसको जाना होता ही है। और अगर कोई डिवाइस इस वेबसाइट के ऊपर रजिस्टर हो जाता है, विच मींस के उसका जो लॉन्च है वो एकदम इमिनेंट है। और मैं आपको एक चीज ये बता देता हूँ कि सैमसंग की एक्स सीरीज जब कंपनी लॉन्च करती है तो वो कोई पर्टिकुलर रीजन में लॉन्च नहीं करती है, वो एक जो लॉन्च डेट रहती है वो ग्लोबल लॉन्च डेट रहती है। तो यहाँ पर गाइस देखो, इस न्यूज से एक चीज ये पता लगती है कि गैलेक्सी S24 सीरीज का लॉन्च एक महीना पहले हो सकता है, क्योंकि जब इस वेबसाइट के ऊपर 24 अल्ट्रा की लिस्टिंग आ चुकी है तो मतलब ऑब्वियसली लॉन्च बहुत करीब है। तो यहाँ पर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जनवरी 17 को जो गैलेक्सी अनपैक्ड इवेंट होगा उसमें कंपनी S24 सीरीज को लॉन्च करने वाली है। अब देखो, ये लीक मैं काफी टाइम से दे रहा हूं और ज्यादातर लीक्स जो मैं देता हूं अच्छी लीक्स होती है, 95% करेक्ट लीक्स होती है। वीडियो नहीं देखते ना, वीडियो आप देखोगे तो आपको पता लगेगा ना, इसके लिए बोल रहा हूं अभी सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन कॉल पे रख लो ताकि इतने जबरदस्त लीक्स फिर आप मिस नहीं करोगे। अब देखो, इस वेबसाइट के ऊपर डिवाइस तो लिस्ट हो गया है लेकिन जो फीचर्स के बारे में इन्फॉर्मेशन निकल के आई है वो अभी तक इस वेबसाइट में नहीं आई है। लेकिन अगर दोस्तों मैं आपको नटशेल में बता देता हूँ इसमें क्या क्या फीचर्स हमें देखने के लिए मिल सकते हैं, क्योंकि प्रॉपर डिटेल्ड फीचर्स वाली वीडियोस में ऑलरेडी बहुत सारी बना के डाल चुका हूं। अगर आपको देखना है तो यहाँ पर या तो यहाँ पर आई बटन में लिंक आ जाएगा, आप जरूर से जाके देखना। अब देखो, यहाँ पर कंपनी 6.8 इंच का डिस्प्ले प्रोवाइड कर सकती है। कैमरे में गाइस देखो, यहाँ पर हमें कुछ इतना अच्छा अपग्रेड देखने के लिए नहीं मिल सकता है एज पर द लीक्स, मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ। यहाँ पर कंपनी जो 10x प्रोवाइड करती थी ऑप्टिकल जूम, S24 अल्ट्रा में वो 10x जो है सीधा 5x पर हो जाने वाला है। आप सोचोगे कि भाई ये अपग्रेड का हुआ, ये तो डिग्रेड हो गया ना। लेकिन गाइस यहां पर देखो, कंपनी का ये कहना भी है कि 5x पे जाने के बाद में आप 5x पे ही 4K 60fps की रिकॉर्डिंग भी कर सकते हो। तो गाइस देखो, ये सारी चीजें मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका अपने वीडियोस में, आप वो लॉन्ग वीडियो जरूर से जाके चेक करना। अब दोस्तों, यहां पर मैं बात कर लेता हूं AI के बारे में। जी हां, देखो वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपसे कहा था और ये भी जो दोस्तों काफी बड़ा लंबा टॉपिक है, लेकिन गाइस वीडियो ज्यादा बड़ा नहीं होता, इसलिए मैं आपको नटशेल में बताता हूं कि कंपनी एक AI निकाल रही है अपने फोन में जो कि ऑन डिवाइस AI है। अब गाइस देखो, मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि हर फोन का एक अलग AI होता है और एक अलग नाम से होता है। फॉर एग्जांपल, ऑनर का एक ऐसा AI है जहां पर कुछ चीजें आप अपने खाली आई मूवमेंट से उसको चेंज कर सकते हो, जैसे कि अगर अपनी आंखों को मूव करोगे तो वहां पर आपके फोन में जो है दोस्तों वो एक्टिवेट हो जाएगा। तो इसी तरीके से अगर आप एप्पल को देखोगे तो इसमें सीरी जो है वो AI है। तो यहां पर सैमसंग में गाइस जो AI आने वाला है उसको सैमसंग गॉस कहा जा रहा है। अब ये सैमसंग गॉज है क्या? देखो, एक्चुअली में ये एक AI मॉड्यूल है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉड्यूल है, और इसके अंदर काफी अलग दूसरे मॉड्यूल्स आते हैं, जैसे कि इमेज प्रोसेसिंग हो जाता है, प्रॉम्प्ट इमेज क्रिएशन हो जाता है। मतलब आज के टाइम पे आपने देखा होगा बहुत सारी वेबसाइट है जहां पर आप कीवर्ड टाइप करो और एक इमेज जो ना दोस्तों बन के आ जाती है आपकी कीवर्ड से, तो वो कंपनी अपने फोन में प्रोवाइड कर सकती है। और जो डॉक्यूमेंट समराइज रहता है गाइस, वो भी एक AI इसमें निकल के आ रहा है। तो यहां पर गाइस सैमसंग गैलेक्सी S24 सीरीज में हमें काफी जबरदस्त आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑप्शंस देखने के लिए मिल सकते हैं। आज के टाइम पे जब भी कोई स्मार्टफोन आता है तो एक यूजर उसमें देखता है कि उसमें रैम कितना अच्छा मिलता है, प्रोसेसर कौन सा मिलता है, इसका UI कितना अच्छा है। लेकिन आने वाले टाइम पे गाइस स्मार्टफोन्स के लिए यूजर्स ये भी पूछेंगे कि इसमें AI कितना अच्छा है, कितना एक्यूरेट है, इसके AI से हम क्या क्या कर सकते हैं। क्योंकि आज के टाइम पे आप देख रहे हो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू काफी ज्यादा जो ना दोस्तों वो काम हो रहा है और बहुत सी चीजें जो ना दोस्तों चेंज हो जा रही है। ChatGPT आप देख लो कितनी जबरदस्त एप्लीकेशन है। तो गाइस यहां पर देखो कुछ इस तरीके के इनोवेशन हमें देखने को मिल सकते हैं सैमसंग गैलेक्सी S24 अल्ट्रा में। गाइस देखो, अगर मैं खाली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में ही बात करूंगा तो बहुत सी चीजें मैं देखने को मिल सकती है गैलेक्सी S24 अल्ट्रा में। इससे रिलेटेड मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स कॉलम में जरूर से बताना, एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा जहां पर मैं आपको प्रॉपरली एक्सप्लेन करूंगा कि क्या क्या फीचर्स हमें S24 अल्ट्रा में एज एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस देखने के लिए मिल सकते हैं। और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है
फिर से बोल रहा हूँ, सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन कॉल पर रख लो, ताकि फिर इतने एक्यूरेट लीक्स आप मिस नहीं करोगे बिल्कुल भी फ्लैगशिप फोन्स को लेकर। चलिए दोस्तों, इंशाल्लाह मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। जय हिंद।